दोस्तों आज चल रहे मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में यहाँ पर रोमानियो शेफर्ड ने इतिहास रच दिया। जहाँ पर मुंबई के लिए अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे रोमानियो शेफर्ड ने महज 10 बोलों में नाबाद 39 रन की पारी खेली। इस पारी में तीन चौके और चार छक्के इन्होंने जड़े। स्पेशली जो एनरिच नोकिया का पारी का आखिरी ओवर था, उस ओवर में यहाँ पर 32 रन जड़े, जो कि आईपीएल एडिशन का अब तक का सबसे अधिक रन वाला ओवर बन चुका है। जहाँ पर पहली बॉल पर इन्होंने चौका लगाया था, दूसरी बॉल पर, तीसरी बॉल पर और चौथी बॉल पर इन्होंने छक्का लगाया था, पांचवीं बॉल पर चौका लगाया था और आखिरी बॉल पर फिर से छक्का लगाया था। इसके साथ ही मुंबई की पारी का सबसे बड़ा, सबसे लंबा छक्का भी इन्होंने जड़ा था। तो कुल मिलाकर मुंबई की टीम आईपीएल में कमबैक कर रही है। रोमानियो शेफर्ड फिनिशर के तौर पर यहां पर काफी बेहतरीन अब तक इनका यहां पर प्रदर्शन रहा है। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम यहां पर इस पारी के हाईलाइट पोस्ट कर देंगे, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मुंबई की टीम अब टूर्नामेंट में कमबैक करेगी या फिर नहीं।